अभी हम बालों में न्यूट्रलाइजर क्रीम लगाने जा रहे हैं। हाँ, इससे बाल नरिश हाँ और पूरी तरह से स्ट्रेट स्मूथिंग हो जाएंगे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ आई हूँ। तो मैं आई हूँ पार्लर आपा के बाल स्ट्रेटनिंग करवाने के लिए। हाँ, क्या है ना, कुछ ज़्यादा आपा का बाल थोड़ा डैमेज हो रहा था ना, तो इसके लिए मम्मी बोले कि आपा का जाके बाल स्ट्रेटनिंग करा देने के लिए परमानेंट वाला, इसके लिए तो वहीं पर आई हुई हूँ। तो ये रही अनीता दीदी, जो यही आपा का बाल स्ट्रेट यही करेंगे, है ना दीदी? Yes. तो कैसे करेंगे सब बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। रहिए, होता रहेगा। तो चले देखते हैं आपा कैसे करते हैं। वैसे भी हम लोग बहुत ज्यादा बिजी थे, तो अब आगे कंटिन्यू रहिए। ओके, ये डैमेज है रे। इसके लिए इसको निकाल दिया है। अच्छा, डैमेज में क्रीम अप्लाई नहीं होती है। तो फिर वो क्रीम वेस्ट करने से अच्छा और कस्टमर को तकलीफ देने से अच्छा ये करना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि नीचे पतले रहते हैं ना, फिर खींचने में ज़्यादा वो होता है। अच्छा, यो भी तो इसको अभी बाल स्ट्रेट करेंगे। पहले ब्लो ड्रायर करेंगे। हाँ, ब्लो ड्रायर करने से क्या होता है, बालों के जो यहाँ वहाँ टुकड़े रहते हैं ना, हाँ, वो सब फ्री हो जाते हैं। अच्छा, ब्लो ड्रायर के बाद में फिर आयरनिंग देंगे पूरे बालों को। ओके, वैसे दीदी बहुत अच्छा करते हैं, है ना दीदी? फेशियल हो, ब्लीच हो, ट्रेडिंग, कुछ भी। अभी इसके बाद फिर कौन सा स्टेप? पहले ब्लो ड्रायर होता है। ब्लो ड्रायर का मतलब जो बाल थोड़े सूखे रहे और अंदर से जो ड्रायर है वो रहते हैं ना, वो सब क्लीन हो जाते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग अभी आयनिंग करेंगे। इसके बाद आयनिंग होगा, सेकंड स्टेप आयनिंग। ड्राई करने से आयनिंग करने पर ज़्यादा अच्छी आयनिंग होती है। तुरंत अगर आयनिंग करेंगे तो अच्छी आयनिंग नहीं होती है। अब ये क्या हो रहा है दीदी? अभी आयनिंग करने जा रहे हैं बालों को सेक्शन लेके। ओ अच्छा, बालों को पांच हिस्से में बांट कर, क्या कहते हैं, बांट देते ये तो बोलती थी ना, मुझे आईडिया नहीं है। हाँ, अब बाल बांटने के बाद में इसकी हल्की हल्की पतली पतली आयनिंग करेंगे। जितना पतली पतली आयनिंग करेंगे उतनी अच्छी आयनिंग होगी। ये परमानेंट रहेगा ना दीदी? हाँ, देख रहे कितना इनके बाद में केमिकल की आयनिंग नहीं हो रही है। हाँ, स्माइल प्लीज। आज आप बैठे हुए आप बहुत टाइम लगने वाला है आपको। तो आप लोग देख सकते हैं आपा का भी स्ट्रेटनिंग चल रहा है ना दीदी? स्ट्रेटनिंग नहीं, स्मूथनिंग है ये। अच्छा, ये स्मूथनिंग चल रहा है, सॉरी। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप, पहले ब्लो ड्रायर, सेकंड आयनिंग, फिर क्रीम, फिर न्यूट्रलाइजर। अच्छा, आप को देखिए कितने शांत में बैठे हुए हैं।
हमारी पार्लर वाली बहुत शांत है। हाँ कुछ ज्यादा ही शांत है। दीदी काम पे बहुत अच्छे से फोकस कर रहे हैं। बहुत गंदी आदत है। अच्छा है, फोकस करके करना चाहिए ना। रिजल्ट अच्छा आना चाहिए ना। हाँ कंप्लीट हो गई है। आइनिंग कंप्लीट। ओके अब इसके बाद में हम स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाएंगे। अच्छा वैसे बहुत प्यारा लग रहा है। अब ये क्या आइनिंग हुआ है ना दीदी? हाँ ये आइनिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। हाँ बहुत मुश्किल से हुई है आइनिंग। क्यों ऐसा? आधे होने की वजह है कि इनके बालों में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं। हाईलाइट की वजह से बाल डैमेज हो जाते हैं। डैमेज होने की वजह से बाल उनके टूटते जा रहे हैं। अच्छा वो बालों को सेट करने में ज़्यादा वक्त लग गए। तो मतलब ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए। ज़्यादा हाईलाइट करने से बाल डैमेज हो जाते हैं। okay. हाईलाइट करने का भी एक लिमिट होता है। अच्छा इसलिए नहीं लगाया कि लॉरियल में ज़्यादा ज्यादा क्या बताऊँ उसको मैं क्या बोलूँ। अच्छा अभी क्रीम लगने वाला है। हाँ। तो यहाँ दीदी ने क्रीम उरीम सब निकाल के रेडी रखी है ना दीदी? आप कल इतने ब्लॉग में डाली है कि स्ट्रेट लगाने जा रहे हैं। हाँ स्ट्रेटनिंग क्रीम लगा के हम इसे 45 मिनट्स रखेंगे। 45 मिनट्स। हाँ स्ट्रेटनिंग क्रीम कभी भी बालों से 1 इंच या 1.5 इंच की दूरी पे लगाना चाहिए। अच्छा 1 या 1.5 इंच। ओके क्यों ऐसा? मतलब पूरे उसमें बाल डैमेज होते हैं और हेयर फॉल होने की चांसेस होते हैं। ये केमिकल होता है इसमें। अच्छा दीदी वैसे इसका महक बहुत अजीब है। केमिकल ज़्यादा होता है ना इसमें। इसके लिए लॉरियल का नहीं लगाया मैंने, कलर मैट लगाया क्योंकि पहले से इनका बल डैमेज है। हाँ लॉरियल में लगा के तो और डैमेज हो जाता क्योंकि उसमें केमिकल बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है। अच्छा तो वो लॉरियल का जो है वो स्ट्रॉन्ग बाल के लिए है? स्ट्रॉन्ग नहीं पर सब बालों के लिए, पर इनका बाल ज़्यादा डैमेज हो चुका है ना। हाँ इस वजह से बालों में जान नहीं रह गई, प्रॉब्लम ये है। मैं आपको दिखाऊंगी ना, आपको खुद समझिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। ये देखिए आपके सर में स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई हो रहा है। दीदी वैसे अभी इसमें और कितना टाइम लगेगा? अभी 3 घंटा और जाएगा। 3 घंटा और? दी है स्ट्रेटनिंग क्रीम? हाँ स्ट्रेटनिंग क्रीम हमने लगा दी है। अब इसे 45 मिनट छोड़ेंगे। अच्छा 45 मिनट के बाद में
इस बाल को वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद में ड्रायर करेंगे, ड्रायर करने के बाद में फिर आयनिंग करेंगे, आयनिंग करने के बाद में फिर न्यूट्रलाइजर लगेगा। अच्छा, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी, है ना? कि आपा के साथ क्या क्या और कैसे हो रहा है बाल का। आपा एकदम खुश है। आप कब से बैठे, एकदम थक गए बैठ बैठ के। टाइम पूरा हो गया ना 45 मिनट, उसके बाद वॉश किए कर रहे ना। हाँ हो जाएगा दीदी, अच्छे से होगा, डोंट वरी। बाल बहुत डैमेज, आपने देखा ना, बहुत डैमेज। हाँ आपा देखिए एकदम रिलैक्स में लेटे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपना स्मूथनिंग। हाँ अब वॉश कर चुके हैं, अब बाल को सुखा रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं ना, ड्रायर कर रहे हैं। हाँ ड्रायर करने के बाद फिर आयनिंग करेंगे, फिर इसके बाद दूसरा एक और क्रीम लगेगा ना दीदी। आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 3:30 हो चुके हैं, अभी कम से कम 1 से 1.5 घंटा हो जाएगा, है ना दीदी? बालों में न्यूट्रलाइजर क्रीम लगाने जा रहे हैं, हाँ, इससे बाल नरिश, हाँ, और पूरी तरह से स्ट्रेट स्मूथिंग हो जाएंगे। अच्छा, ये हमारा सेकेंड लास्ट स्टेप है। आप आज बहुत ज्यादा ही थक गए है ना आपा? थक गए। देख सकते हैं हम लोग घर पे आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था आपा को स्ट्रेटनर में, वैसे हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है, दिखाती हूँ मैं आप सबको। देख सकते हैं आपा का बाल, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना आपका बाल। आपा का खुशी का तो बात ही नहीं है एकदम। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था तो हम लोग घर पे आके फिर आराम उराम करें, है ना? आपा का बाल कितना खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।